महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। इस बार नवाब पर ईडी ने 8 संपत्ति जब्त कर एक्शन तो लिया ही, साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी हेकड़ी निकाल दी और रिहाई वाली याचिका को ठुकरा दिया, जिसके बाद नवाब मलिक सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरह गिड़गिड़ाए हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन और मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल की हवा खा रहे नवाब मलिक की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब ईडी ने नवाब मलिक की 8 संपत्तियों को जब्त तो कर लिया है, वहीं हाईकोर्ट ने भी नवाब मलिक को खदेड़ दिया है, जिससे नवाब मलिक बुरी तरह तिलमिला उठे हैं। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवाब मलिक की रिहाई की मांग वाली अंतरिम आवेदन को खारिज कर दिया, जिसके बाद अब नवाब मलिक ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रिहाई की मांग की है। वहीं नवाब मलिक के वकील कपिल सिब्बल ने पीएमएलए कानून का हवाला देते हुए पूरे मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि पीएमएलए कानून 2005 में लागू हुआ, जिन लेन देन के लिए ईडी इस कानून के तहत कार्रवाई कर रही है वो 2000 या उससे पहले के हैं। इसके बाद चीफ जस्टिस ने मामले पर जल्द सुनवाई का आश्वासन दिया है। नवाब मलिक जेल से बाहर आने के तमाम हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन ईडी भी उनके खिलाफ ऐसे ऐसे सबूत इकट्ठा कर रही है जिससे नवाब मलिक का सलाखों के पीछे से बाहर आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बता दें कि नवाब मलिक को दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 4 अप्रैल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, जहां 1999 से 2003 में कुरला में 3 एकड़ के भूखंड के लिए दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर को भुगतान किया गया था। इसने आरोप लगाया कि कुरला भूमि मुनीरा प्लांटर थी और पारकर ने एक जाली पावर ऑफ टॉनी के माध्यम से अधिग्रहण किया था, जिसने पारकर के ड्राइवर और अंगरक्षक सलीम पटेल को जमीन बेचने का अधिकार दिया था। ईडी ने आरोप लगाया कि नवाब मलिक के परिवार के सदस्यों की कंपनी सॉलिडस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के जरिए नवाब मलिक द्वारा ये जमीन हड़पी गई। इसी केस में नवाब मलिक बुरे फंस चुके हैं और ईडी को कई और सबूत उनके खिलाफ हाथ लग चुके हैं, जिससे नवाब मलिक को अब सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगने वाला है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी जिस तरीके से नवाब के खिलाफ एक के बाद एक सबूत कोर्ट में पेश कर रही है, उससे तो नवाब मलिक का सलाखों से बाहर आना मुश्किल है, फिर चाहे वो हाई कोर्ट जाएं या फिर सुप्रीम कोर्ट में गिड़गिड़ाएं। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट जल्द इस मामले में सुनवाई करने वाला है, जिसमें कयास लगाए जा रहे हैं कि नवाब मलिक को यहां भी झटका लग सकता है और नवाब के बाद उनके परिवार पर भी गाज गिरने वाली है। ऐसी खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।